सह नवतु सहनौ भुनक्तु सह तेजस्विनावधीतमस्तु

छांदोग उपनिषद का ये बहुत ही प्रसिद्ध एक आख्यान है नारद सनत कुमार संवाद तो इसमें नाम से लेकर के हमने शुरू किया था और प्राण पर्यंत इन्होंने बताया कि प्राणा व आशाया भूयान यथा व अरा नाभो समर्पिता एवं अस्मिन प्राणे सर्वम समर्पितम तो जैसे रथ की नाभि में अरे जुड़े हुए होते हैं ऐसे ही नाम से लेकर के और यहाँ आशा पर्यंत जो भी हमने ब्रह्म के अलग अलग स्वरूप बताए उसमें कुछ ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में बताया कुछ पिंड की शक्तियों के बारे में बताया तो उन सब का आयतन उन सब का आश्रय उन सब चक्र की नाभि क्या है प्राण है प्राण के इर्द गिर्द घूम रहा है ये सब कुछ प्राण मतलब जीवन तो जीवन है तो आशा है जीवन है तो संकल्प है जीवन है तो ज्ञान है जीवन है तो जल है तो सब कुछ प्राण के इर्द गिर्द घूम रहा है प्राण उसके सेंटर में है उसके केंद्र में है ये इन्होंने बताया तो प्राण से ही प्राण को देखो यहाँ पे सब बता दिया प्राण पिता है प्राण माता है प्राण ही भ्राता है प्राण ही स्वसा है प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्रह्म है ब्राह्मण है तो सब कुछ ये जो भिन्न भिन्न रूप हम देखते हैं सृष्टि में माता पिता गुरु भाई बहन जो भी संबंध हम देखते हैं ये सब क्या है प्राण ही तो है भिन्न भिन्न उनकी सकल सूरत उनके डेजिग्नेशन ये अलग अलग बना दिए व्यवहार चलाने के लिए सृष्टि का व्यवहार चलाने के लिए लेकिन वास्तव में तो सत्य क्या है प्राण ही है यदि प्राण निकल गया तो फिर उस माता को कौन माता कहता है माता की तरह उसके साथ व्यवहार कौन करता है तब तो, तो उठा के जला आते हैं उसको और अपने जिंदा माता को कोई थोड़ी जलाता है जब तक प्राण है तो उसको हम भाई कहते हैं और प्राण निकल गया तो उसको उठा के जला देते हैं प्राण है तब तक उसको हम अपना गुरु कहते हैं आचार्य कहते हैं और प्राण निकल गया तो तो प्राण निकल गया तो फिर फिर तो उनको समाधि दे, दे देते दफना देते हैं या तो उनको जला देते हैं जो भी तो ये सारा का सारा संसार क्या है प्राण से चल रहा है किसी चीज का प्राण यदि निकल गया तो चाहे वो मनुष्य हैं चाहे पशु हैं पक्षी हैं वृक्ष हैं वनस्पति हैं फिर वो सब निष्प्रयोजन हो जाते हैं फिर उसको सब फेंक देते हैं उसको नष्ट कर देते हैं उसका नाश कर देते हैं नाश का मतलब है आदर्शनश अदर्शनी उसको देखना भी नहीं चाहते हैं कितनी प्यारी मां थी और उसको कोई रखता है अपने घर में कि भाई प्राणी तो निकला है माँ तो माई है ना अभी तो चलो रखते हैं अपने अलमारी में कम से कम दिखती तो रहेगी बोलो जितना जल्दी हो निकालो जल्दी ले चलो ऐसे कहा जाता है तो ये सब कुछ प्राण में प्रतिष्ठित है तो ये प्रसंग चल रहा था प्राण वाला अन्य वेदों में भी प्राण की यही ऐसे ही महिमा गाई है जैसे यहाँ उपनिषदों में गाई है तो ये पीछे वाला जो प्रसंग है नाम से लेके और प्राण पर्यंत इसमें आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी ओम दीदी प्रणाम जी मेरा प्रश्न है आकाश को लेकर आपने उस दिन आकाश के दो रूप बताए थे तो मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया और इससे बड़ा आपने स्मृति आशा और प्राण बताया तो आकाश तो इतना विराट है कि सब चीज उसमें समाहित है और प्रलय काल के पश्चात भी जब कुछ नहीं होता शून्य होता है तो भी आकाश होता है तो इसको कैसे समझेंगे तो हाँ, तो, हम सोच बड़ा सकते हैं लेकिन आकाश तो दिखता है कि बहुत विराट है बहुत विराट ठीक बात है तो इसको थोड़ा स्पष्ट तो मैंने उस दिन भी उत्तर दिया था कि आकाश दो हैं नित्य और अनित्य एक तो पंचभूत वाला आकाश सत्व साम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान मैं तो अहंकार अहंकारा पंचतन मात्रा उभयम इंद्रियम तन, तन मात्रेभ्य स्थूल भूतानी पुरुष पंचविंशतिर गण तो ये तीन तत्वों से इनकी समाप्ति कहाँ हुई पंचभूत स्थूल माने पांच स्थूल भूत तो उनमें एक आकाश भी है तो जो त्रिगुण से बना है आकाश तो प्रलय में तो ये सारे अपने अपने कारण में लीन होते चले जाते हैं ना तो ये पंचभूत किस में लीन होंगे पांच तन मात्राओं में तन मात्राएं किसमें लीन होंगी अहंकार में अहंकार महतत्व में महतत्व मूल प्रकृति में तो ये तो नष्ट हो ही जाएगा दूसरा फिर बताया था एक नित्याकाश न सदासीत न असदासीत जिसका वेद कह रहा है सत भी नहीं था असत भी नहीं था सत इस रूप में नहीं था कि ये जिस रूप में ये संसार दिखाई दे रहा है ऐसा तो था नहीं प्रलय में तो इसलिए न सत आसित सत नहीं था सत्य नहीं था मतलब ये संसार न असद आसित भी नहीं था असत क्यों नहीं था क्योंकि बीज रूप में तो था ये संसार यदि सर्वथा असत होता तो असत से कभी सत की उत्पत्ति होती नहीं है तो सर्वथा असत भी नहीं था तो कुछ तो था बीज रूप में ही तो वो बीज रूप में जो था वो कहा था आकाश में ही था तो कहीं तो होगा ना वो तो उसको यहां पर आकाश कहा है एक स्पेस खाली स्थान पंचभूत वाला आकाश है तो अब आपने कहा कि आकाश तो इतना विशाल है हमें दिखाई दे रहा है अब आप जब इसको दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो स्मृति क्या है एक संस्कार है स्मृति रूप संस्कार पढ़ा ना आपने तो जैसे प्रलय होगी तो ये आकाश तो नष्ट हो जाएगा जो पंचभूत वाला आकाश है और ये स्मृति रहती किस में है चित्त में ये चित्त भी नष्ट हो जाएगा मन के ही चार भाग बताए थे ना मैंने मन बुद्धि चित्त अहंकार तो ये चित्त भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि प्रलय में तो सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा तो सूक्ष्म रूप में बचेंगे क्या संस्कार क्योंकि संस्कार यदि आत्मा के साथ ना बचे तो सृष्टि के बाद किसको कैसा जाति आयु भोग मिलेगा ये तय कौन करे प्रलय के बाद सृष्टि सृष्टि भी तो होनी है ना और वो ऐसी ही सृष्टि होगी माने जिसमें विविधताएं हो किसी का कैसा शरीर होगा किसी का उत्तम कोटि का होगा किसी का मध्यम होगा किसी का सामान्य होगा कोई बहुत धनवान होगा कोई मध्यम होगा कोई गरीब हो। ऐसी विचित्रता से युक्त तो सृष्टि होगी तब भी तो ये विचित्रता किसके आधार पे होगी कैसे होती है वो उनके संस्कारों के आधार पे क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और जब तक मोक्ष को प्राप्त ना कर ले तब तक इस व्यक्ति के संस्कार भी नष्ट नहीं होते वो सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ ही रहते हैं तो स्मृति भी एक क्या है संस्कार है आपको लगता है कि जो हमने अभी महीने दो महीने पहले याद किया और जो हमको स्मरण है उसको हम तो स्मृति कहते हैं इतनी मात्र स्मृति नहीं है स्मृति तो जब से ये सृष्टि बनी तब से लेकर के और आज पर्यंत और अनेक सृष्टियों में भी पहले जो स्मृति थी वो सारी आज तक भी आपके पास है वो अनभिव्यक्त है इसलिए सृष्टि स्मृति आकाश से भी सूक्ष्म है आकाश से भी बड़ी है वो आकाश तो नष्ट हो जाते हैं स्मृति रूपी संस्कार नष्ट नहीं होते हैं उन संस्कारों के आधार पर ही फिर हमारे अगले जाति आयु भोग होते हैं और वो स्मृति भी किसके कारण होती है वो प्राण के कारण बनती है जो सूक्ष्म हमारा प्राण है वो प्राण यदि नहीं हो तो स्मृति रूपी संस्कार किसके आश्रय से रहे आता भी इस शरीर में प्राण ही है तो जीवन क्या है जीव प्राण धारणी और जाता भी क्या है प्राण मृंग प्राण त्यागे प्राण त्याग का नाम ही मृत्यु है तो यहाँ प्राण का मतलब है आत्मा या प्राण का मतलब है सूक्ष्म शरीर तो उसका कभी नाश नहीं होता है और उसके कारण ही स्मृति बनती है तो इसलिए स्मृति से भी प्राण ज्यादा सूक्ष्म है क्योंकि प्राण के बिना स्मृति रूपी संस्कार बनेंगे ही नहीं जिसके प्राण चले गए वो बॉडी अब क्या संस्कार बनाएगी ना पुण्य के संस्कार बनाएगी ना पाप के बनाएगी तो इस दृष्टि से इन सब का आयतन प्राण को बताया ये दो आकाश बताया दीदी तो एक ये जो स्पेस बता रहे वो वाला है और ये जो पंचभूतात्मक बता रहे हैं इसमें पृथ्वी वायु अग्नि जल हमें तो दिखता है वो आकाश को कैसे जाने कैसे है क्योंकि क्यों, आकाश का मतलब कोई स्थूल चीज नहीं है ना खाली स्थान यह दिख नहीं रहा है आपको और हमारे अंदर भी दिख नहीं रहा है क्या घटा आकाश पटा आकाश मठ आकाश ये कमरे का आकाश दिखाई तो दे रहा है पृथ्वी के एक इंच ऊपर जैसे आप उठे ये आकाश ही तो है आप बोल रहे ये आकाश में बोल रहे हैं सुन रहे हैं वो आकाश में ही सुन रहे हैं अब आकाश कोई पुस्तक जैसा तो नहीं है जो दिखाई दे जाए तो जो इसका स्वरूप है वो जैसा है वो दिख रहा ही है ये तो प्रत्यक्ष ही है ये आकाश हमारे सामने क्योंकि वो कोई मतलब उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती ना अमूर्त है ना आकाश का लक्षण उसमें बताया ना सांख्य में और न्याय में भी बताया आकाश क्या है आप लोग तो पढ़ चुके आकाश का लक्षण क्या बताया निष्क्रमण प्रवेशनम तो यही जिसमें हम निष्क्रमण कर रहे हैं प्रवेश कर रहे हैं बोल रहे हैं सारे व्यवहार कर रहे हैं यही आकाश है और एक संस्कार की बात कही तो वो संस्कार तो चित्त में होता है आत्मा में तो नहीं होती तो आप प्रकृति जब प्रलय होती है तो सब चीज नष्ट हो जाता है तो फिर वो चित्त तो हमारा नष्ट हो गया तो वो संस्कार भी नष्ट हो जाने के है सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता यही तो बोला आप तो आत्मा से अलग है सूक्ष्म शरीर हाँ आत्मा से अलग है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर अपने कारण में लीन होगा जब आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे तब तब तक आपके आत्मा के साथ रहेगा प्रलय काल में भी आत्मा के साथ रहेगा चित आता तो है।, तो है ना वो तो नष्ट हो जाएगा मन तो नष्ट हो जाएगा मन तो स्थूल है ना आप उसको देखो ना दार्शनिक दृष्टि से मन की उत्पत्ति कहाँ हुई है अहंकार के बाद हुई है ना दोनों प्रकार की इंद्रियां और मन तो वो मन तो नष्ट होगा ना तो मन का ही तो एक पार्ट चित्त है, तो वो तो नष्ट होगा प्राकृतिक है वो तो अहंकार से बना है अहंकार ही नष्ट हो जाएगा महत्व ही नष्ट हो जाएगा नया मिलेगा आपको इंस्ट्रूमेंट तो लेकिन उसमें जो संस्कार है वो सूक्ष्म शरीर जो है वो नष्ट नहीं होगा संस्कार नष्ट नहीं होंगे आपकी बीज की जो शक्ति है ना वृक्ष बनने की वो शक्ति नष्ट नहीं होगी वो उसके अंदर ही रहेगी बीज के अंदर तो ये संस्कार हमारे बीज हैं आप ऐसे उसको समझ सकते हैं। वो तो उदाहरण तो एक अंश में घटाया जाता है बीज तो स्थूल है ऐसे संस्कार स्थूल तो होते नहीं है संस्कार तो सूक्ष्म होते हैं तो संस्कार नष्ट नहीं होंगे संस्कार तब तक आत्मा के साथ रहेंगे जब तक हमारा मोक्ष ना हो जाए जी और तो किसी का प्रश्न नहीं ओ, है जी दीदी स्मृति को स्मृति से आशा बढ़े क्या है ना आशा बढ़ा है स्मृति से तो ये आशा कैसे उससे मतलब यो हुआ बड़ा हुआ क्योंकि हम किसी चीज के स्मृति आशा से आप क्या समझे जैसे हम किसी चीज की कामना करते करते उस बात के भूल रही है वो तो एक अंश हुआ आशा का पूरा स्वरूप तो नहीं हुआ तो स्मृति भी करते हैं तो क्यों करते हैं स्मृति किसी चीज की क्योंकि संस्कार है ना वो चीज हमारी क्यों करते हैं संस्कार तो है संस्कार तो अनेक हैं पर कोई भी काम किसी प्रयोजन से करते हैं ना हम तो स्मृति भी किसी चीज की होती है तो क्यों होती है वो उसके पीछे क्या है मूल में किसी चीज की प्रयोजन होती है आशा होती है तो प्रयोजन का नाम ही आशा है क्योंकि स्मृति भी जब किसी की होती है तो उसके पीछे भी कोई आशा होती है हमारी तो आशा उससे भी सूक्ष्म होगी ना फिर जो मूल होता है जो जिसका तो वो उससे भी सूक्ष्म होता है जो रूट होता है जो जिसका कारण होता है कार्य से कारण सूक्ष्म होता है, तो ये स्मृति तो हो गया यहाँ पे कार्य और उसका भी कारण क्या है आशा है, आशा किसी ना किसी आशा से ही हम स्मृति को उठाते हैं। स्मृति तक संस्कार है और वो आशा जब करते हैं तो वो चीज हम हमने पहले वो कि... क्या है आशा कोई बिस्किट है क्या <laughs> कैसे उठा लेते हो आप आशा को <laughs> जैसे स्मृति संस्कार है ऐसे आशा भी क्या है सूक्ष्म है ना वो भी तो कोई स्थूल नहीं है ना आपको लगता है कि जो हम जो प्रयुक्त करते हैं मुझे इस चीज की आशा है तो ये तो छोटा सा है स्मृति तो बहुत बड़ी है ऐसे लगता है आपको तो यहाँ आशा का जो क्षेत्र है वो स्मृति से भी ज्यादा है बड़ा है क्योंकि स्मृति केवल होती है भूतकाल की और आशा जो होती है वो उसमें भविष्य भी जुड़ा होता है स्मृति उठा रहे हैं वो भी आशा के कारण ही उठा रहे हैं और आगे कोई योजना बना रहे हैं भविष्य की तो आशा का संपर्क उससे भी है इसलिए आशा दो काल से जुड़ी है भूत से भी भविष्य से भी स्मृति केवल भूतकाल से जुड़ी हुई है तो इसका फील्ड उससे भी बड़ा है तो इसलिए आशा उससे भी बड़ी है नहीं कैसे कैसे मान सकते हो जो है उसको वही मानो प्रार्थना अलग है आशा अलग है प्रार्थना आशा का एक स्वरूप प्रार्थना नहीं हो सकती ऐसे कैसे हो सकता है कि सूर्य का स्वरूप चंद्रमा नहीं हो सकता क्या अलग अलग हैं सब उसमें अंतर्निहित तो होते हैं आशा में तो कितना उसका विराट क्षेत्र है ना तो उसमें अंतर्निहित आए है।, है ये सब लेकिन आप ऐसे किसी के किसी के रूप में किसी को कैसे मान सकते हो भाई इस ब्रह्मचारी की जगह इसको नहीं मान सकते क्या कैसे मान सकते अपनी जगह वो है अपनी जगह वो है एक अलग है वो दीदी प्रणाम तृतीय प्रपाठक में जब समन्वयता दिखा रहे थे पिंड और ब्रह्मांड का तो वहां पिंड में मन को श्रेष्ठ माने थे और ब्रह्मांड में आकाश को तो है? वहां बताए थे जो ब्रह्म के चार पैर है कहाँ तो, कहा की बात पूछ रहे हो तृतीय प्रपाठक अठारवे खंड का पहला ही है इसमें हाँ, तृतीय प्रपाठक का कौन सा खंड अठारह खंड अच्छा इसमें क्या बताया था इसमें ब्रह्मांड और पिंड में समन्वयता दिखा रहे थे तो बोले कि ब्रह्म के चार पैर वाले जो होते हैं उसमें मन पिंड में श्रेष्ठ है और ब्रह्मांड में आकाश तो मन का जो कौन सा पैर? है ये? दूसरा दूसरा जी तदेत चतुष्पाद ब्रह्मा जी वाक् प्राण पाद चक्षुपाद है श्रोतम और अधिदैवतम, अग्निपाद वायुपाद आदित्य पाद पाद तो इनमें इन, इन ये कह दिए थे कि इनमें जो है मन श्रेष्ठ है और सांख्य में श्रेष्ठ नहीं साम्यता बता रही थी कि जैसे यहाँ पर चार इसके पैर हैं पिंड के पैर मतलब चार पार्ट्स ऐसे ही ब्रह्मांड में भी ये चार पार्ट तो दैवीता आध्यात्मिक इसका वर्णन कर रही थी कि आध्यात्मिक क्या है और दैवत क्या है जी चार चरण वाला मतलब चार चरण मिलकर के कोई चीज पूर्ण होती है ना जैसे चार चार आने मिलकर के एक रुपया पूरा होता है चार पाद मिलकर के एक अध्याय पूरा होता है तो चार जैसे श्लोक में चार पाद आठ आठ अक्षर के मिलकर के एक छंद पूरा होता है तो ऐसे ये मतलब चार चरण वाला है ये ब्रह्म तो चार चरण वाला ब्रह्म जो है वो पिंड में कौन सा ब्रह्म है चार उसके चरण और ब्रह्मांड में कौन से हैं तो पिंड में बताए थे मन वाणी और नेत्र श्रोत्र तो ये तो अध्यात्म ब्रह्म हो गया और अधिदैवत क्या हो गया अधिदैवत में आ गए? अग्नि वायु आदित्य और, दिशाएं।, और दिशाएं।, दिशाएं। तो ये ब्रह्म पूरा एक ब्रह्म हो गया तो इसमें श्रेष्ठता कहा दिखाई है तो ये मन के चार पार्ट बता रहे हैं ना इनमें प्राण को मन के अ, अगर मन जो है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो ये गीता की बात है यहाँ की यहाँ बताओ यहाँ ब्रह्म की पूर्णता दिखाई जा रही है और ब्रह्म की पूर्णता में दो भाग बात बताई जा रही है पिंड में और ब्रह्मांड में पिंड वाली पूर्णता को आध्यात्मिक कहते हैं और ब्रह्मांड की पूर्णता को अधिदैवत कहते हैं तो चार पार्ट इसके बताए चार उसके बताए तो आपका प्रश्न क्या है वो बताओ मेरा प्रश्न ये था दीदी कि इनमें जो यहाँ तक गिना दिया ना कि नाम से बड़ा वाणी वाणी से बड़ा मन एक दूसरे को घालमेल मत करो मतलब अलग अलग ऋषि किसी अलग बात को अलग प्रसंग वो ही ऋषि थोड़े ही वहां पर बात कर रहे हैं वहां पर बात कर रहे हैं ऋषि सनत कुमार और वो एक अलग कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं दूसरे ऋषि वो पिंड और ब्रह्मांड में एक ब्रह्म की पूर्णता दिखा रहे हैं चार चार चीजों क्योंकि चार से पूरा होता है तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि चार के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तो वो ऋषि का अपना समझाने का एक तरीका है तो ऐसे मतलब ऐसे मिक्सअप नहीं, नहीं करना नहीं। है हर एक व्यक्ति का एक सत्य को समझाने का अपना तरीका है और हर एक व्यक्ति ने एक अलग सत्य की खोज की हुई होती है मैं आपको दर्शन पढ़ाती हूँ दूसरा एक आचार्य आए आपको मैथमेटिक्स बढ़ाने के लिए फिर आप उसके प्रश्न मेरे से पूछें या मेरे सब्जेक्ट के प्रश्न उनसे पूछें तो वो भी एक सत्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं यहाँ भी एक सत्य को अभिव्यक्त किया जा रहा है लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है ना तो वो अलग था ये अलग है ये प्रसंग अलग है यहां पर आत्मवित बनने के लिए वो गए हैं तो पहले भी तो आत्मवित बनने के लिए गई हैं ना ऋषि जयवली के पास गए इससे आगे भी जाएंगे जनक आदि के पास तो हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से बताएगा एकम सदविप्रा बहुधा वदंती जैसी उन्होंने खोज की उस ढंग से वो बताएंगे सत्य एक ही होगा लेकिन वहां तक पहुंचने के तरीके तो एक ही होंगे ना जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा पहुंचेगा वहीं पर ही आपके वैदिक गुरुकुलम में आने के लिए कितने मार्ग हो सकते हैं हजारों हो सकते हैं कोई किधर से भी आ सकता है इधर से, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी लेकिन सेंटर एक ही है ये तो पूरे देश भर से लोग आते हैं तो वो सारे मार्ग यहाँ आने के ही तो हो गए आप लोग जितने भी लोग अपने अपने घरों से आए हैं तो सबके मार्ग अलग अलग हैं सबकी ट्रेन अलग अलग है सबकी बस अलग अलग है सबके गांव से आने वाला ऑटो रिक्शा अलग अलग है लेकिन सेंटर तो एक ही है ना कहाँ से आए हैं आप वो सारे ही मार्ग हैं सारे ही सत्य हैं तो यहां पर ये नारद को आत्मवेत्ता बनने के लिए बता रहे हैं कि तू पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी जो उनको लग रहा है कि तू जो कुछ भी सुबह से शाम तक दिनचर्या कर रहा है जो जो चीजों का तू प्रयोग कर रहा है सदुपयोग कर रहा है उन सबको तू ब्रह्म मान वो सब ब्रह्म ही हैं क्योंकि हम सब को भ्रम ये रहता है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तो हमें ये सब काम छोड़ने पड़ेंगे और कुछ अतिरिक्त साधना करनी पड़ेगी क्योंकि हमने साधना का जो अंतिम रूप देखा किसी ऋषि का वो ऐसे बैठे हुए देखा लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो ऋषि जन्म से और ज... अब जब आपने चित्र देखा तावत पर्यंत वो ऐसे बैठा ही रहा उसने और कुछ किया ही नहीं जीवन में ऐसे थोड़े ही है वो तो अंतिम रूप है ना उसका तो उसको तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या किया ये तो उसको मालूम है तो हमें लगता है कि हम ये सब कर्म छोड़ के और हमें सन्यासी ही बनना है अब कोई व्यक्ति आज श्रद्धे स्वामी जी महाराज के स्वरूप को देखता है तो उसको लगता है कि भाई हमें तो सब काम छोड़ करके और बाबा को फॉलो करना है उनकी नकल करनी है वो वो आज उनको दिखता है प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उन्होंने संगठन बनाया है उन्होंने स्कूल कॉलेज बनाए हैं आचार्यकुलम बनाया है गुरुकुलम बनाया है इसलिए कई लोगों ने तो अपने प्राइवेट स्कूल के नाम ही गुरुकुलम रख दिए कि गुरुकुलम रखने से ज्यादा विद्यार्थी आएंगे आ भी गए एक दो लेकिन इतने मात्र से वो बाबा जी तो नहीं बन सकते हैं उससे पीछे का जो सफर रहा उनका स्वामी जी महाराज का और श्रद्धे आचार्य जी का जो उससे पीछे का रहा सफर वो सारा कौन देखेगा ये तो अंतिम रूप है ना उनका आज का जो आज दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे वाला एक जो प्रक्रिया है उसको तो वही व्यक्ति जानता है अब इतना ऐश्वर्य और इतनी उपलब्धि करने वाले और भी कई हो चुके होंगे सृष्टि में आज तक कोई अकेले व्यक्ति तो नहीं है और इतना ऐश्वर्य आज भी किसी और व्यक्ति के पास हो सकता है और है भी लेकिन उन्होंने कैसे उसको प्राप्त किया तो सबके तरीके अलग अलग होंगे उनसे कोई पूछेगा जी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे तो अपना रास्ता बताएंगे इनसे कोई पूछेगा आप यहां तक कैसे पहुंचे तो ये अलग बताएंगे लेकिन सत्य एक ही होता है उसके पीछे कुछ बेसिक कॉमन चीजें जो हैं, वो मिलती जुलती हुई ही होंगी पुरुषार्थ जैसे सब में कॉमन मिलेगा बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता है उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणी न तो मनोर्थ ही केवल मात्र मनोरथ से तो सिद्ध नहीं होते हैं ये तो कॉमन मिलेगा तो ऐसे ही यहाँ जो ऋषि इनको आत्मवेत्ता बनने के लिए कह रहे हैं तो कई बार हमारे मन में भी ये आता है भाई हमें भी आत्मवेत्ता बनना है तो हम इन सब चीजों को छोड़ें और तब हम आत्मवेत्ता बने जब मैं आपको कहती हूँ सूत्र याद करो तो आपको लगता है कि दीदी -दी हमें व्यर्थ का काम दे रही है हमें ऋषि बनना है ये सूत्र याद करवा रही है तो हमें याद नहीं करना है पर मैं कहती हूँ आप ऋषि बनोगे ही तब आप कहते हो कि हमें ये इतने सारे परीक्षाएं क्यों दिलवा रहे हैं परीक्षा की तैयारी क्यों करवा रहे हैं हम तो सन्यासी हो गए सन्यासी हो गए तो अभी आपका स्वरूप चेंज हो गया सन्यासी होना केवल कपड़े चेंज होना मात्र नहीं है देखो आपके नाम चेंज हो गए आपका परिचय पत्र चेंज हो गया तो अंदर से भी तो सारा चेंज होना ही चाहिए ना तो आज आप किसके पुत्र हैं आज आप एक ऐसे महापुरुष युग पुरुष के आत्मज हैं या आत्मजा हैं जिनमें अनंत बल है और आप अपने को वही मानने बैठे हैं पहले वाला ही ठीक है ना अब आप ब्रह्मचारी जयवीर नहीं हैं आप सोचते हैं कि जो मेरी पहले सामर्थ्य थी वो ही है आज आप एक ऐसे ऋषि के अंश बन चुके हैं जिसमें अनंत सामर्थ्य है